पहले से जो हमें डर था कि बोकसिंग होगी, इस बार भी बहुत बड़ी संख्या में बोकसिंग, हर बूथ पे बोकसिंग हुई। हमें डर था कि हिंदुओं का वोट मुसलमान डालेगा, वही हुआ। कि असदुद्दीन ओवैसी और उसके भाई की एक नीति रही, एक रणनीति रही है, जिसकी तेलंगाना में सरकार बनती है उसके पैर पकड़ के उनसे सपोर्ट लेते हैं। बहुत ही अच्छी लड़ाई लड़ी है हमारी महादेवी जी ने। परिणाम तो ठीक नहीं लग रहे मुझे, और इस बार भी मैं समझता हूँ कि हम लोग फेल होंगे। बहुत ही अच्छी लड़ाई लड़ी है हमारी महादेवी जी ने, बहुत अच्छे से चुनाव हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य है जैसे पहले से जो हमें डर था कि बोकसिंग होगी, इस बार भी बहुत बड़ी संख्या में बोकसिंग, हर बूथ पे बोकसिंग हुई। हमें डर था कि हिंदुओं का वोट मुसलमान डालेगा, वही हुआ। हिंदू महिलाओं का वोट बुरके डाल के डाले जाएंगे, वही हुए। और इस बार भी इतना बोकसिंग हुआ जिसका कोई लिमिट नहीं है। लोकल पुलिस असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी और उसके भाई की एक नीति रही, एक रणनीति रही है, जिसकी तेलंगाना में सरकार बनती है उसके पैर पकड़ के उनसे सपोर्ट लेते हैं। या अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो वाईएस राजशेखर रेड्डी कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने, उनके सपोर्ट में थे। चंद्रबाबु नायडू की सरकार बनी टीडीपी की, उसके सपोर्ट में थे। फिर केसीआर की सरकार बनी, उसके सपोर्ट में। अभी रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, उनके सपोर्ट में। यानी ये लोग क्या, जिसकी सरकार बनती है उसे सपोर्ट लेकर जो जितने गलत काम है वो गलत काम करने का ये दोनों भाइयों का काम रहता है। तो इस बार भी आउटराइड पुलिस असदुद्दीन ओवैसी के कैडर को और असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट किया गया। परिणाम तो ठीक नहीं लग रहे मुझे, और इस बार भी मैं समझता हूँ कि हम लोग फेल होंगे, ऐसा लग रहा है।